What did this do? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज है रोम टूरिज्म का डे टू। हम लोग निकल पड़े हैं बिल्कुल रेडी होकर के। हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, साथ में आज घूमेंगे। बहुत दिन भर घूमना है हम लोग को। देखते हैं रुपिन हमारे साथ कितना कोप अप कर पाता है। चलिए, ये रहा कूप का नज़ारा। जितने लोग फैमिली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि सुपरमार्केट्स आसपास होने से कितना फ़ायदा होता है। फ्रेश ब्रेड, सलाद, रेडी टू ईट फूड, सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाता है। हम लोग आ गए, हम लोग को पानी लेना है। बहुत वैरायटी है पानी में भी, क्या बताएं। ये सबका जो प्राइस है वो नेदरलैंड्स का एकदम बराबर प्राइस है, सेम टू सेम, बल्कि देखने में भी सेम ही लग रहा है, बस यहाँ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत सारा फ्रूट्स मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये है लीची, और बिल्कुल इसका नाम भी लीची लिखा हुआ है, सच में लीची। और ये लीची है 2.74 का, 50 ग्राम। मेडागास्कर से आया है ये लीची। हम लोग बस स्टॉप पे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बिल्डिंग्स देखो, मस्त हो, प्लाजो मस्त हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और एक बात, यहाँ पे बहुत होमलेस पीपल हैं, लोग एकदम ज़मीन पे सोए हुए हैं, पूरा राशन पानी देके। पहले तो हम अमेरिकन वीडियोस में ही देखते थे ये सब, लेकिन यहाँ देखे बहुत सारे हैं। क्या रोम गरीब है, क्या ये लोग बाहर से आए हैं और इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा तो ये रोड पे आ गए हैं। ये देखो, ये लगा हुआ है ट्राम, और राहुल बोल रहा है कलकत्ता को टक्कर दे दे रहा है ये ट्राम, इतना पुराना। ये देखो बस इसी तरह चल रही है, कभी भी सांसें खत्म हो सकती है इस ट्राम। बसेस यहाँ पे रुक रही हैं, पता नहीं यहाँ कार क्यों लगाया हुआ है। पूरा एकदम ऐसा लग रहा है देखकर, पूरा हिस्टोरिकल। और बस यहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्या दिखता है सामने, कौन है वो जो हमको कमेंट करके बताएगा कि ये वाला मॉन्यूमेंट का क्या नाम है, और इंडिया में ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जिससे ये मैच कर रहा है। यस, आई एम वेटिंग। रोड क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं। इस मॉन्यूमेंट का नाम है द कोलोसियो, रोम का खंडर। हमको नहीं पता इसका हिस्ट्री। इसमें ग्लैडिएटर्स का वॉर होता था। बाप रे, और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। रुपिन के बदौलत हम लोग कहीं भी अंदर बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ तक हम लोग को फ्री का बिना टिकट का जाने देगा हम लोग जाएंगे और जाके देखेंगे। चल, क्योंकि प्रैम को भी उठाना नहीं, राहुल वहाँ से सीढ़ी उतारना है शायद, प्रैम को भी उतारना है, बड़ा दिक्कत है। चलो राहुल, नीचे उतर गए हम लोग। अंदर में तो बहुत बड़ा सा एरिया दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर कितनी दूर हम जा पाएंगे। फन फैक्ट्स अबाउट द कोलोसियम, 1900 साल पुराना है ये इमारत, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, और ग्लैडिएटोरियल शोज जो होते हैं यहाँ पे होते हैं। हियर इज द इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर यू, ध्यान से देखिए। ये देखो मेरे पीछे वो लड़की बैठी हुई है, हमको लगा यार कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा, लेकिन वहाँ लोग बैठे हुए हैं। मतलब विदेशों में आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और इसका कारण ये रहता है लैंग्वेज, कहीं कुछ लिखा हुआ है वो भी पता नहीं चल रहा है। अब लोग आ रहे कितनी कितनी दूर दूर से। मेरा वहाँ पीछे साइड में देखो, वो देखो ऊपर से चले आ रहे हैं, इनको जहाँ से भी मिला लोग चले आ रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं, राहुल लोग पता नहीं कहाँ पर है, क्योंकि रुपिन को आते आते सुसु लग गई है, और ये हमारे साथ होता ही है। गाइड का ट्रिप चल रहा है, गाइड बता रहा है, और अंदर लोग घुस के और लोग निकल रहे हैं।
रुपिन द पोजर एंड पप्पा द फोटोग्राफर। ये थोड़ी अच्छी जगह है, चलो कम से कम यहाँ दौड़ेगा और बहुत ज्यादा दौड़ेगा। 4-5 दिन लगेंगे रोम के वीडियोस अपलोड करने में हमको, तो जो लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं और रोम ट्रिप प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, अभी के समय में इस टाइप के कपड़े आप पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है, टेम्परेचर है 12-14, उसमें ही वेरिएशन होता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। मोटा मोटा जैकेट कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। स्टाइलिश कपड़े लाइए, बूट्स लाइए बहुत सुंदर, और वैसे जो लोग स्नीकर प्रेमी हैं वो स्नीकर में भी घूम सकते हैं, इट्स नाइस। You can also see the section of the arena that was once underground. पूरा जगह घूमिए और देखिए कहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे रोम तो आपको ज़रूर जाना है और हमें बताना है कैसा लगा। इतनी भीड़ है लोगों की, इतनी भीड़ है, और ये क्या घोड़ा गाड़ी देखा हमने, अरे वाह, ये एसी पे बैठा के पूरा घुमा देता। तो राहुल, तुम स्विट्जरलैंड में घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा था हमको, कितना लेगा, याद करा दिया है हमने राहुल को। इंडिया में घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठे, यहाँ बैठेंगे बताओ, इतनी महंगाई में। हट, यहाँ आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लोग पैदल किधर से भी आ रहे हैं, रोड है, सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, और सारे तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का राउंड मॉन्यूमेंट दिखेगा, लेकिन टूटा फूटा। रुपिन थोड़ा व्लॉगिंग कर रहा है, उसको यह बोलने आता है हेलो दिस इज रुपिन एंड दिस इज बाबा। रुपिन करो करो करके बताओ, यहाँ से देखो, व्हाट डज इट लुक लाइक। रात में जब हम लोग बस से जा रहे थे तो हमने इसको देखा था, और साथ में वहाँ पे जो दिख रहा है ना पिलर पिलर जैसा, वहाँ पे भी लोग खड़े होकर कुछ देख रहे थे, शायद वो भी कुछ चीज़ है यहाँ पे, मतलब जो कुछ भी देखो पुरानी पुरानी। एक बार में 85,000 लोग इसमें फिट हो पाते थे। रोमन लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्रेन्स यूज किए थे इसको बनाने में, 8 साल के लगभग समय लगा था, मैन मेड लेक के ऊपर बना था, और तो और कोई भी कंक्रीट यूज नहीं किया गया इसको बनाने में, मतलब अनेकों फैक्ट्स हैं इसके बारे में, क्या बताएं आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे वाले लोग घूम रहे हैं जो आपसे पूछेंगे क्या आपको टिकट चाहिए, क्या आपको अंदर जाना है, टिकट चाहिए आपको, आपने टिकट ली है, तो समझ नहीं आता हर चीज़ का, तो ऑनलाइन टिकट मिलता है फिर भी लोग क्यों खड़े हैं। हर तरह की भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा न्यू व्लॉगर और इस व्लॉगर को पता भी नहीं चल पा रहा है कि करना क्या है, बोलता है अ बर्ड, ओह माय गॉड स्टोन्स, यही सब फोटो में मिलेगा। और ये देखिए, यही वो स्पेक्टैक्युलर व्यू है जो सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स खींचते हैं, यही तो है द कोलोसियम। और इसके सामने इंडिया का इंडिया गेट टाइप्स, गेटवे ऑफ इंडिया टाइप, और जो हम लोग पेरिस में भी देखे थे इसी तरह का एक सेम चीज़ है ना, उसके जैसा ही ये मॉन्यूमेंट है, बहुत अच्छा दिख रहा है। घटिया कंटेंट क्रिएटर क्लिकिंग ओनली, सड़ा हुआ कबूतर। तो माय डियर फोक्स, अब हम एक पैनोरमा शॉट खींचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। अस्सी से भी ज़्यादा एंट्रेंस गेट्स हैं कोलोसियम में घुसने के लिए,
तो आप जिधर से भी जाएंगे अलग अलग तरह की आकृति मिलेगी, जिसमें से ये भी एक है एंड इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। टाइम निकाल के फुर्सत से आओ भाई, और बच्चे के साथ तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। खाना ले आओ, बैठ के पिकनिक जैसा खा। राहुल देखो 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 देखो, वो गाड़ी आ रही है। इस जगह की फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे असली इन्फॉर्मेशन लिखा है, कौन सी चीज़ क्या है और किस चीज़ के बारे में है। आई एम रियली लकी कि मेरे व्यूअर्स में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्कियोलॉजी, बिल्डिंग्स वगैरह देखकर बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बार कमेंट्स में लोग लिखते हैं बहुत नई जानकारी मिली, थैंक यू सो मच। तो ये पार्ट ऑफ द वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आप देखिए सारा कुछ कोलोसियम और उसके आसपास जो आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है उसके बारे में। बाहर जो लोग घूम रहे हैं वो बता रहे हैं कि टिकट का दाम 25 है और यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो गया, तो आप उनसे खरीद सकते हैं ब्लैक में। गाइडेड टूर भी देंगे, और जाना नहीं है। हम लोग डिसाइड किए हैं कि इस ट्रिप में हम लोग कोई भी म्यूजियम के अंदर जाएंगे नहीं, हम लोग इस तरह की चीजों के अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि ठंड है रही तो। और दूसरी बात है, रूपिन जो है वो बहुत परेशान करता है, बाहर से रोम देख के आ जाएंगे। अगर रोमा पास लीजिएगा 2 दिन का, जो भी 32 यूरो का है, उसमें एक म्यूजियम फ्री है, अगर कोलोजियम जाइए या फिर वेटिकन सिटी। और यहाँ पे बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारा म्यूजियम है, बहुत सारे खंडहर हैं, सारा कुछ। तो हम लोग पूरा बाहर से घूम लेंगे और इसी प्रकार से और फोटो खिंचवा लेंगे। चलो बैठ जाओ, ये वाली जगह सॉर्टेड, चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन और देखते हैं कुछ सेम मिलता है या कुछ डिफरेंट मिलता है। लेकिन भाई बहुत भीड़ है, भीड़ भी उतनी ही है, गंदगी भी उतनी ही है। अभी ताज़ी न्यूज़ में आई है कि कोरोना वापस आ गया है। बस जैसे ही लोगों ने सोचा कि अब नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगेंगे, कोरोना वापस आ गया। लेकिन यहाँ कोई मास्क नहीं लगा के घूम रहा है। हम लोग वैसे बहुत सारा मास्क लेके आए हैं, आगे एक हफ्ते में कंडीशन क्या होगी नहीं पता, इसीलिए आप ज़रूर मास्क ले करके आइए, क्या पता कहीं एंट्री मिले ना मिले। कीप योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स विथ यू हैंडी, हैंडी मतलब फ़ोन में, ऐसा ना हो कि सर्च करना पड़े, कहीं से डाउनलोड करना पड़े। ऊटी का फीलिंग दे रहा है ना, ऊटी का। इतना लंबा घूम घूम के हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कहाँ जाना है हमको राहुल? चलो चले। 21 मीटर ऊंचा, 25 मीटर चौड़ा इस बिल्डिंग का नाम है आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। कोलोसियम इसके सामने है लेकिन बिल्कुल अलग डिज़ाइन का, ये इसके अंदर ईंट है, ऊपर से मार्बल है। जबकि जब आप कोलोसियम को देखेंगे तो इसके बारे में धारणा है कि जो वॉर्स होते थे उनके स्पॉइल्स से इसको बनाया गया है। लग तो रहा है कि यारो उल्टा है क्योंकि रास्ता जो है ना वो उधर से है। उधर से क्या है? चल इधर से चलते हैं। पॉपुलर सेइंग्स अबाउट रोमन्स, दे लव्ड वाटर, इसलिए जहाँ जाओ झरना फाउंटेन्स आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए। अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये वाला जो है इधर से ही तो जाना है, बट है बड़ा टफ यार, इधर से जाना बड़ा दिक्कत होगा, तो राहुल की मदद करनी होगी हमको। रुपिन उतर जाओ बेटा, नहीं जा पाएगा, उतर जाओ। और हम वहाँ तक चढ़ते हुए वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, मिलते हैं आपसे पहाड़ पर। इस जगह पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, बहुत लोग स्विस पास टाइप कोई टिकट लेके आए हैं, यहाँ से स्कैन कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। सो वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग। इतना ज़्यादा टीवी वगैरह में देखा था लेकिन आज पहली बार देखा ये असली का बनाते हुए। वाह, चल पड़े हैं हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ। रोमन सड़कों को देख रहे हैं, बस पे बैठे हुए हैं। देखना ना भूले अगला वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस मिलते हैं, बाय बाय।